आजाद भारत की नींव रखने वाले महान क्रांतिकारियों का जब जब जिक्र होगा तो उसमें भगत सिंह का नाम आएगा ही आएगा। शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले बंगा में, जो कि अब पाकिस्तान में है, भारत के इस वीर सपूत ने जन्म लिया और मात्र 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह तो चले गए लेकिन भारत की सोई हुई जनता को जगा गए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भगत सिंह से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने जब उनकी शादी कराने की कोशिश की तो वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में उन्होंने लिखा है, अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधु केवल मृत्यु होगी। इन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण इन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडल्स को गोली मार दी। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडल्स की हत्या के करीब एक साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। भगत सिंह लगभग 2 साल जेल में रहे और जेल में रहने के दौरान उन्होंने कई लेख लिखे। उन्होंने अपने लेखों में पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे वो एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। भगत सिंह अपनी लिखने की कला के लिए भी काफ़ी मशहूर थे। भगत सिंह छोटी उम्र से ही साम्राज्यवाद से प्रेरित थे। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे क्रांतिकारियों से काफ़ी प्रभावित थे। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय भी वो लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अपने नास्तिक बनने का कारण बताया और सभी धर्मों से कई सवाल किए हैं। यह उनका सबसे विवादित लेखों में से एक है जिसका नाम है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, Why I am atheist? जेल में भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार ना होने के कारण, भेदभाव होने के कारण भगत सिंह ने 64 दिनों की भूख हड़ताल रखी जिसमें यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए। 26 अगस्त 1990 को भारतीय दंड संहिता 129-302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत भगत सिंह को अपराधी सिद्ध किया गया। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की तरफ से वायसराय को विभिन्न तर्कों के साथ भगत सिंह की सजा माफी के लिए अपील दायर की गई लेकिन वो खारिज कर दी गई। भगत सिंह की फांसी की सजा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे कर दिया गया। उनको फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम JC हिल्टन था। अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह को फांसी देने के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए। इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर सतलुज नदी में फेंक कर भाग गए। भगत सिंह को कई भाषाओं का ज्ञान था जिनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और बंगला भाषाएं प्रमुख थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह द्वारा कहा गया अंतिम नारा था। भगत सिंह और उनके साथियों की अंतिम इच्छा थी कि उनको फांसी की जगह गोली मार के मौत दी जाए। उनका कहना था कि वो एक युद्धबंदी है जो अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ युद्ध करते हुए पकड़े गए हैं। उनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक दुश्मन सैनिक के साथ किया जाता है। वो कोई आतंकवादी नहीं है और ना ही उन्होंने किसी मासूम बेगुनाह की जान ली है। उनकी लड़ाई सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। ऐसे में उन्हें और उनके साथियों को गोली मारकर मृत्यु दी जाए, लेकिन उनकी ये याचिका भी खारिज कर दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन इस जोशीले नौजवान को चोरी छुपे फांसी दे दी गई, वो भी मात्र 23 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। ये 23 वर्ष का नौजवान इतना बड़ा काम कर गया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से झुक के प्रणाम करना चाहता हूँ इस जोशीले जिंदा दिल देश के लिए मर मिट जाने वाले भगत सिंह को, जिसका नाम सुन के खून उबाल मारता है और सीना गर्व से आज भी चौड़ा हो जाता है। और ये देश हमेशा भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों का कर्जदार रहेगा जिन्होंने अपने घर परिवार और सारी खुशियों को त्याग कर अपने देश को सबसे आगे रखा, जो खुद तो देश के लिए मर मिट गए और छोड़ गए हमारे लिए एक आज़ाद भारत। तो ये थे शहीद आजम भगत सिंह। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मर्जी आए वो कर दो। और बाकी तो आपको पता ही है।